हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने खुद कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्रैक किया है, सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इट, हाउ टू आंसर देम प्रॉपरली, व्हाट शुड बी द लेंथ एंड सम टिप्स एंड ट्रिक्स विल बी डिस्कस एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। बिफोर, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज like and share, also subscribe. Let's start with the today's session. This is my credibility interview with the Coventry University. यहाँ पे मैंने सारे questions वगैरह देखे, तो initially let's start. What is your name? आपका नाम पूछते. My name is Pradeep Badbe. They'll ask second, what is your date of birth? Please mention your date of birth. And here the starts the main interview question is like, why have you chosen UK? उनको आपको ये बताना है, उनको कन्विंस करना है कि आपने बस UK ही क्यों चुना है, बाकी कंट्रीज़ को क्यों नहीं चुना। सो here are some of the points. UK is well known for its education quality. Most of the prestigious universities with high world ranking are located in UK. आप प्लीज़ ये सब नोट डाउन भी कर सकते हो if you want. Otherwise even I'll attach that link of the description of this PDF below. UK is a center of excellence for aerospace department. It is the only country which offers 1 year master. ये बहुत important point है, you should please mention that. And ये 4 points are nothing but they'll fulfill the requirement. So you can at last say these are some of the reasons why I have chosen UK as my study destination. So दूसरा question है, why did you apply to Coventry University? So मेरा Coventry है, आपके लिए अलग हो सकता है, तो you can answer them like, well, from my research and what I heard about Coventry University, आप यहाँ पे change कर सकते हैं अपने university का नाम, has got conducive to productive environment. Also, professors help students in achieving their career goals. Also, lab facilities के बारे में बात करें कि Coventry University will help international students to grasp concepts in a better way by providing good lab facilities. Research करो अपने lab facilities के बारे में, और जो modules है they are in properly structured format. प्लीज़ वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में यूनिवर्सिटी के चेक करें। ऑल्सो हाउ इज़ द एम्प्लॉयबिलिटी रेट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड हाउ इज़ द स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, मतलब जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको कैसी लगी वो यूनिवर्सिटी। इंक्लूड इफ देर इज एनी प्लेसमेंट ईयर, मतलब 1 year का कोर्स होने के बाद अगर कोई प्लेसमेंट ईयर है तो यू कैन इवन एड ऑन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू रिसर्च्ड अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटीज़, ये यूनिवर्सिटी के अलावा आपने कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ लिए, तो एटलीस्ट आप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में उनको बताएं कि आपने रिसर्च किया है। और अगला क्वेश्चन वो ये ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट आर योर कोर्स मॉड्यूल्स, तो मैं तो कह रहा हूँ आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाए और सारे कोर्स मॉड्यूल बाय हार्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% हर एक इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। सो प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस। सो इवन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछते ही पूछते हैं लाइक, वॉट आर योर फ्यूचर गोल्स आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ योर कोर्स। सो इसको आपको ये बताना है कि आपको आपके होम कंट्री में आके जॉब करना है। सो इट विल बी कम्प्लीटिंग अ डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल ओपन न्यू होराइज़न्स टू माई करियर गेटिंग अ जॉब इन माई होम कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी बताओ कि आपके फील्ड में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आर वेलकमिंग UK graduates for the job and also some of the private companies, आप companies के नाम भी add कर सकते to add on. And also speak about this, even Indian government has take steps, मतलब आपके domain में थोड़े बहुत steps लिए कि और improvement हो जाए, आप जैसे लोगों को बहुत opportunities है ऐसे, आप उनको बताओ। So completing the degree will help me contribute that. So next question is, how much will be your salary after completion of this course? तो आप अपना प्लीज़ रिसर्च करें कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी किसी भी जॉब सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू इंटेंड टू वर्क ड्यूरिंग योर मास्टर्स प्रोग्राम, मतलब इनका ये क्वेश्चन है कि आप पार्ट टाइम जॉब करोगे मास्टर डिग्री में, तो सीधा आप उनको ना तो नहीं बोल सकते, पर सॉरी एज UK इज द, आप ऐसे सवाल कर सकते हो, एज UK इज द ओनली कंट्री ऑफरिंग अ 1 year मास्टर डिग्री, उनको कन्विंस करो पहले। तो सो माई इंटेंशन सर कि आप यूनिवर्सिटी में जाके गुड ग्रेड हासिल करना चाहते हो,
और आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हो, प्लीज़ गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। सीधा आप ना मत बोलो, कुछ उसके पीछे ऐसे ये बनाओ, आंसर्स बनाओ। हाउ आर यू मैनेजिंग अबाउट फाइनेंसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, मैं बता रहा हूँ आपको। मेंशन अबाउट लोन्स है, आपके सेविंग्स है, FDs है, आप कैसे आपके फीस पे करोगे, लिविंग एक्सपेंसेस कैसे करोगे, ये सब आपको इसमें बताना है। तो हु इज़ योर स्पॉन्सर, तो बेसिकली मेरे स्पॉन्सर तो मेरे पापा है, तो आप बता सकते हो आपके हिसाब से आपके में कौन है, तो वॉट डज ही डू, उनका प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा, हाउ मच डज ही अर्न पर एनम, तो उनको अमाउंट दे दो, हाउ मच डज ही, हाउ मच डिपेंडेंस डज ही हैव। तो इन माय सेक्टर मी माय मदर एंड माय सिस्टर आर द डिपेंडेंट्स ऑन माय फादर, इन केस यू कैन नेम अकॉर्डिंग टू दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज लाइक, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, इट्स योर विश, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। बट मैंने मैंने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का जो हुआ था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस किए नहीं थे, कि सभी उन्होंने वेबसाइट पे दे रखा था। तो दैट्स वॉट ऑल अबाउट माई इंटरव्यू ऑफ कॉमेंट्री। सो लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाट आई विल से इज लाइक, रिसर्च मेनली ऑन द लैब फैसिलिटीज, सेकेंड थिंग इज रिसर्च ऑन योर करियर गोल्स, द कंपनीज, रिसर्च कंपनीज, द ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑफरिंग जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस केस, और तीसरा लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च अबाउट वर्ल्ड रैंकिंग्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड वाई इट इज़ बेस्ट दूसरों के मुकाबले। सो यू हैव टू इवन मैंशन दैट थिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, होप दैट हेल्प्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, आर डेफिनेटली गोना डू वेल। And if you like this video, please subscribe. See you in the next video.